हेलो एवरीवन, आज देखेंगे कैसे आप इंडियन ओवरसीज बैंक का मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक का सारा प्रोसेस आप मोबाइल में कर सकते हैं। तो इस वीडियो पूरा देखते रहे। तो पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, तो मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आईओबी मोबाइल आपको मिलेगा। नहीं मिलता है तो आपको सर्च कर लेना है आईओबी मोबाइल लिख के। तो यहाँ के मैं आईओबी मोबाइल लिख के सर्च कर लेता हूँ। आईओबी मोबाइल सर्च करने के बाद ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आपको क्लिक करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही छोटा ऐप है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल हो रहा है, पूरा प्रोसेस देखिए। बहुत छोटा वीडियो है, कोई भी प्रोसेस मिस मत कीजिएगा। तो देखिए ये 100% हो गया है, अभी इंस्टॉल हो रहा है। इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे स्किप का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ। देखिए यहाँ पे डन ऑप्शन है, डन पे क्लिक करता हूँ। अलाउ कर देना है इसको, फिर से SMS को अलाउ कर देना है। करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद जो जहाँ पे आपका जो सिम के साथ ये बैंक लिंक है उस सिम पे क्लिक करना है। फर्स्ट सिम या सेकंड सिम, मेरा सेकंड सिम के साथ कनेक्ट है तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करके सेंड SMS पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा आपको वेट करना है और एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए मेरा मोबाइल नंबर चला आया, या मैं प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, एप्स एंटर एप्स पासवर्ड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके पहले आपको पासवर्ड पे क्लिक करना है। मेरा पासवर्ड पहले से क्रिएट किया हुआ था, अगर आपका क्रिएट नहीं किया हुआ था तो यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है। तो मेरा क्रिएट किया हुआ था, मैं पासवर्ड दे देता हूँ। के बाद लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने का थोड़ा आपको वेट करना होगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए डिवाइस सपोर्ट फिंगरप्रिंट पासवर्ड, मैं फिंगरप्रिंट दे सकते हैं तो मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपको दे देना है और इसको ओके कर देना है। तो फिंगरप्रिंट से आपका काम हो गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, या फंड ट्रांसफर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कार्ड सर्विस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए पेमेंट नेक्स्ट पे क्लिक करना है, चेक सर्विस नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इंश्योरेंस नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फेवरेट्स नेक्स्ट पे क्लिक करना है, डिपॉजिट नेक्स्ट पे क्लिक करना है, रिचार्ज नेक्स्ट पे क्लिक करना है, वॉइस असिस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सर्विस रिक्वेस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो प्रोफाइल नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सर्च नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स नेक्स्ट पे क्लिक करना है, लॉग आउट फ्रॉम मोबाइल एप्लीकेशन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, व्यू ट्रांजैक्शन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, व्यू स्टेटमेंट नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और अकाउंट्स नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फंड ट्रांसफर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एम पासबुक नेक्स्ट पे क्लिक करना है और मोर डन कर देना है। तो सेट जेड एम पिन आपको जेड करने के लिए बोलेगा, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको थोड़ा आपको वेट करना है। आपका जो कार्ड है, तो डेबिट कार्ड है, यहाँ पे एंटर करना है। मैं यहाँ पे कार्ड नंबर डेट ऑफ एक्सपायरी और ATM पिन दे देता हूँ। देने के बाद सबमिट करता हूँ। मैं मेरा डेबिट कार्ड जो डिटेल्स है यहाँ पे दे दिया। देने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे सबमिट ऑप्शन है, सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको नया एम पिन बनाने के लिए बोलेगा, मैं नया एम पिन बना लेता हूँ। यहाँ पे दे दिया, देने के बाद सबमिट कर दिया। देखिए सक्सेसफुल हो गया। तो अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं होता है तो मैं ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखिए ये ऑन बटन एनेबल डिजेबल ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑन कर देना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे OTP आएगा, OTP यहाँ पे दे देना है। OTP आ गया, OTP दे देना है आपको। देने के बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। तो एम पिन दे देना है आपको। तो ओके सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका काम हो गया है। यहाँ पे आपको बैक होना है। सक्सेसफुली अपडेटेड ओके कर देना है, मतलब आपका सब कुछ सक्सेसफुली हो गया है। अब आप जब भी इसको ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे जो ऐप है इस पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो ऐसा ओपन होगा। आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद ये
ओपन हो जाएगा। देखिए ये ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। आपका अकाउंट बैलेंस सब कुछ, नाम, लास्ट लॉगिंग सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। तो स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन जो है सब आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। ऐसा और वीडियो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर बजा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना, अच्छा रहना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।